हाय फ्रेंड्स, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताने जाएंगे टोटल जो कितने चाइनीज ऐप आगे जाके बैन होने वाले हैं और कितने ऑलरेडी बैन कर दिया गया है और उसमें कौन सा ऐप आगे जाके भी बैन हो सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा तक देखिए। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, जून में एक वीडियो निकाले थे सोनम वांगचुक ने, उन्होंने एक एडुकेशनलिस्ट है, उन्होंने पहला हम लोग को इंडिया को बोला था, इंडियन सबको अपील किया गया था जो सॉफ्टवेयर है उसको रिप्लेस करिए एक हफ्ते में और जो हार्डवेयर है वो एक साल में रिप्लेस करिए। उसकी बात अगर देखा जाए, इंडिया ने पहला जो स्टेप्स लिया था वो है जून 29 को जो इंडिया ने पहला डिजिटल स्ट्राइक किया था, तो उसमें टोटल 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। उसमें आपका था टिकटॉक था, कैम स्कैनर था और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट भी था, जैसे शीन था आपका, क्लब फैक्ट्री था, तो ये सब एप्स को बैन किया गया था। एक्चुअली इसका पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन था क्योंकि जो ये सारे जो एप्स हैं उसका जो सर्वर है वो आउटसाइड इंडिया है और इसमें जो चाइनीज एजेंसी क्या करते हैं, आपका ये सारे एप्स का डेटा अनऑथराइज्ड वे में चोरी करते हैं, तो ये आपका डेटा प्राइवेसी हैम्पर कर रहे थे। तो इंडिया ने ये फर्स्ट कदम उठाया था और उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड डिजिटल स्ट्राइक किया गया है, मतलब टुडे 27th ऑफ जुलाई, टोटल 47 एप्स को बैन किया गया है। उसका लिस्ट अभी तक आया नहीं है, वो लिस्ट आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसमें टोटल इंडिया ने 275 एप्स की स्क्रूटनी चल रहे हैं, तो उसमें आगे जाके भी आपका पबजी जैसा ऐप, पबजी ले लीजिए या अली एक्सप्रेस ले लीजिए या लूडो वर्ल्ड, ये सारे एप्स भी आगे जाके आपका बैन होने वाले हैं प्रोबेबली। इसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है मगर ये सारे एप्स बैन हो सकते हैं आगे जाके। तो टोटल जो 47 एप्स टोटल आज बैन किया गया है वो मोस्टली आपका जो प्रीवियसली बैंड ऐप था उसका एक क्लोन्ड कॉपी है। ये सारे एप्स को इंडिया ने आज बैन कर दिए है। तो इसका जो लिस्ट है वो हम लोग ये चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे आपको वो सारा लिस्ट। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो ये लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।